हाँ जी, तो क्वेश्चन है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द टेबल, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी. इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश करना है. ठीक है, अगर मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो तुम लोगों ने मेटल्स देखी होंगी, जैसे कि गोल्ड है, कितना शाइन करता है, ठीक है ना. जो मेटल्स है वो शाइन करती है, हैव मेटेलिक लस्टर, लस्टर मतलब उनका सरफेस जो है शाइन करता है, ठीक है. और नॉन मेटल क्या होती है बेटा जी, डल. नॉन मेटल्स आर वेरी डल, ठीक है ना. हार्डनेस, अगर मैं हार्डनेस की बताऊँ तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक साइड पे एक बेटा क्या है, आयरन नेल है, ठीक है ना, आयरन का एक नील है, और मेरे पास दूसरा क्या है, कार्बन का चौक, ठीक है. तो क्या है ये चौक जो है, फटाफट से क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है. लेकिन आयरन नेल को के ऊपर अगर तुम लोग कुछ भी मारो तो ये ब्रेक नहीं करता. तो मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती. मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, किनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. बेटा जो नॉन मेटल है अगर उसके ऊपर तुम लोग हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा. सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, लेकिन जो मेटल है वो मैलिएबल है, अगर उनके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो मैलिएबल क्या होती हैं, मेटल्स. आल्सो मेटल्स की ही वायर होती हैं, है ना, मेटल्स ही वायर्स में कन्वर्ट होती हैं. जैसे कि तुम लोग इलेक्ट्रिकल जो है वायर्स अपने घर के बाहर देखते हो, जब घर के अंदर भी देखते हो, तो वो किसकी वायर्स होती है, कॉपर की. कॉपर कौन सी मेटल, क्यों क्या होती है बेटा जी, मेटल. तो क्यों उनको यूज़ किया जाता है, मेटल ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स ही जो है वायर में कन्वर्ट करी जाती हैं. तो वायर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी. तो मेटल्स डक्टाइल है, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं है. हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन क्या है बेटा जी, तुम लोग अगर लोहे की रोड को लो, यू हैव टेकन अ आयरन रोड, तो तुम लोगों ने एक लोहे की रॉड को लिया इस तरीके से, राइट, और एक साइड पे तुम लोगों ने उसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया. आयरन की रॉड ली और एक साइड पे हीट करना शुरू कर दिया. तुम लोग इस डायरेक्शन पे हीट कर रहे थे, देन यू विल ऑब्जर्व ये वाला पार्ट भी क्या होगा बेटा, हॉट हो जाएगा. हॉट क्यों हुआ बेटा जी, क्योंकि हीट जो है इस डायरेक्शन से ट्रेवल करके यहाँ तक भी पहुँच गई. मतलब कि जो आयरन रॉड थी उसने अलाउ करा किसको, हीट को, टू पास थ्रू देम. सो जो आयरन है डेट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके जी. सो मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, तो मेटल हीट की गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स नहीं है. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया बेटा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो वायर्स किसकी बनी होती है, मेटल्स की. क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा टिक, ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना, ओके जी. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, थैंक यू.